नई दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के द्वारा लगातार यौन शोषण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में इसी मामले को लेकर आज अमेठी में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस पार्टी यूथ के कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर खिलाड़ियों के पक्ष में कैंडल मार्च करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दोनों सरकारों को यूथ कांग्रेस ने घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ पहलवान खिलाड़ी जो हमारी बहन बेटी है वो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी, उनको घसीटा जा रहा था। योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, निश्चित रूप से यह निंदनीय है। ऐसे में यूथ कांग्रेस उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। किस लिए आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ये जो है हम सब शांतिपूर्वक ये मार्च निकाल कर ये जताना चाहते हैं कि खिलाड़ियों के ऊपर जो जुल्म हुए हैं, नया संसद भवन बना वहाँ पे खिलाड़ी शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ये तानाशाह सरकार, मोदी जी के ताना सरकार में उधर सदन में अपना कदम रख रहे थे, यहाँ हमारे महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे और चप्पल के कूच उनके सर पे कुचला जा रहा था। ये भारत के पहले इतिहास में हो रहा है। और वही जब मोदी जी जब मेडल जीत के वो महिलाएं वो खिलाड़ी आई थी तो उन पे बोल रहे थे कि हमारे परिवार के शर्म आती है मोदी जी कि आप केवल अवसरवादी हैं, आज महिलाओं के साथ उस खिलाड़ियों के साथ कौन खड़ा है। और अयोध्या में हमारी दसवीं की बेटी के साथ जो होता है वो सबको, पूरे भारत के लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये योगी बाबा जी जो भगवा पहन कर ये जताते हैं कि महिलाओं को पूरा सुरक्षित रखा जा रहा है, ये पूरा गलत है। बालिका और खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी हो रही है और बदमाशी हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? भाजपा।